है भाई। पूछ लो साइकिल ले सकते हैं क्या, तो मैं चलाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं हरिन तोमर आपका स्वागत करता हूँ हरिन तोमर ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ये एक जगह है लाल बाग बायोटेक पार्क, बहुत बड़ी है, बहुत सारे फूल और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अभी आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा क्या है। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी हो रखी है, आप देख सकते हैं बेस्ट वाटर डॉक्टर। कैसा लगा पानी? बेस्ट, यस, लेट्स गो। है ना, टाइम पास करने के लिए जगह अच्छी है, मतलब आके 3-4 घंटे बिता दो यहाँ पर। लोग तो बताओ पढ़ भी रहे यहाँ पर, तो स्टडिंग नहीं तोता पूरी तरह पर। ₹100 का कितना? एक ही लाल बाग ले पानी। यहाँ पर वैसे हर पेड़ के ऊपर उनके नाम, कहाँ से है, क्या पेड़ है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। नाइस हेयर स्टाइल ब्रो। अरे ये क्या है, ये तोड़ के खाएं क्या? देखें क्या क्या है, है? ये सामने क्या है? अरे नहीं, खाने की चीज तो होगी यार। पार्क तो बड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी घूम लेते हैं, क्योंकि उनको फिर निकलना भी है। Look at this species of flower. अलग ही तरह के फ्लावर हैं, बट इसमें कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं अलग से। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पर ये हैं छोटे छोटे नारियल के पेड़ है ना, अभी बड़े नहीं हुए। काफी अच्छा है यार, खजूर नारियल के ही है यार, खजूर के थोड़ी ना, यहाँ नारियल ज्यादा होते, खजूर नहीं होते। लाल बाग सरोवर, इसके साइड में हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने का आइटम मिल जाएंगे, थोड़े से महंगे हैं पर ठीक है, आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे। इस टाइप की स्टॉल्स मिल जाएंगी छोटी छोटी। आपको यहाँ पर अगर चलने में दिक्कत है तो ऐसी कार्स भी मिल जाएंगी, ये आपको पूरा टूर करा देंगे। अब इसमें जाके भी कर सकते हैं, पैदल भी कर सकते हैं, सब। लुक एट दिस,
मेरा दोस्त। हे ब्रो, लुक एट दिस, अनदर वन। स्पीड, ये ऑस्ट्रेलिया से है, पर ये यार ये मैंने अपने गांव में बहुत देखे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता था मेरा गांव ऑस्ट्रेलिया में। ये हम पहुंच गए हैं आई थिंक इन द मिडल ऑफ दिस गार्डन। यहाँ पर ही कुछ स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली मिट्टी मिट्टी है। या तो ये पेड़ लगा रहे हैं या जो भी है पता नहीं, पर हवा बहुत अच्छी चल रही है। साइन। और ये देखो, ये इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे पर इन पे अभी तक पत्ते वत्ते या जो भी वो करना चाहते थे वो हुआ नहीं है। तो ये अभी ऐसी स्ट्रक्चर 100 ईयर्स। अशोका पिलर है, नीलगिरी 2000 साल पुराना। यहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट बने हुए बहुत सारे जो पेड़ से बने हैं, जिनका कोई ना कोई मतलब है। मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स का कोई मतलब है। जैसे ये देखेंगे अपन तो ये है वेलकम स्कल्पचर, माथुर नेचर वार्म मैंगो ट्री 250 ईयर्स, लाल बाग 2018। लेट्स गो। क्रोकोडाइल, नीलगिरी ट्री 200 ईयर्स, ये भी नीलगिरी ट्री 200 ईयर्स, लोटस बुद्धा। दिस ट्री ऑफ लाइफ नीलगिरी 200 ईयर्स। बी अवेयर ऑफ स्नेक्स। अरे कैक्टी हाउस इस साइड है। अच्छा लेट्स सी। अच्छा कैक्टस है यार, इसमें बहुत सारे कैक्टस ही कैक्टस हैं। एंट्री बंद है बट यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। बॉन्साई पार्क, और ये है टीले वाला मंदिर। अंदाज अपना अपना वाला मंदिर था ना, ये वही है टीले वाला मंदिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गुड बाय।